नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, हमारे शरीर में ऐसे कौन से दोष हो जाते हैं या कौन सी विकृति हो जाती है जिनके कारण हमें बीमारी होती है। दोस्तों, ये तो आपने काफी बार सुना होगा कि हमारी 70 से 80% बीमारी हमारे शरीर में वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण होती है, लेकिन ये हम में से काफी सारे लोग नहीं जानते कि वात पित्त कफ होते क्या हैं और इनका असंतुलन क्यों हो जाता है। वैसे तो वात पित्त कफ हमारे शरीर में होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन फिर भी हम इनको शरीर में दोष मानते हैं। हम कहते हैं कि ये वात पित्त कफ हमारे शरीर में 3 दोष हैं, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में विकृति हो जाती है, जिनके कारण हमें काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनको सामान्य कैसे रखें। तो इससे पहले मैं कुछ और बातें आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, इस पे 3-4 वीडियो आएंगी, तो उसमें हम विस्तार से बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताते हैं इसके कुछ और बातें मैं चलो आपसे शेयर करता हूँ। देखो, यदि दोस्तों हम अपना इलाज स्वयं करना चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हमें अपनी बीमारी के बारे में पता है और उसकी औषधि के बारे में भी हम जानते हैं, तो फिर हम क्यों जानबूझकर केमिकल युक्त दवाइयां खाएं और ऊपर से काफी मोटा पैसा भी खर्च करें। नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। देखो चलो ठीक, हम बड़ी बीमारियों को छोड़ देते हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में भी हम सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनको तो हमें स्वयं ठीक करना चाहिए। तो फिर छोटी मोटी बीमारियों में डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें काफी सारा पैसा खर्च कर देते हैं और उन केमिकल युक्त दवाइयों को खाते रहते हैं, जिनके कारण हमें भविष्य में और भी काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें छोटी मोटी बीमारियों को स्वयं ठीक करना चाहिए और हमें अपना कीमती समय पैसा हुआ शरीर को खराब नहीं करना चाहिए। देखो जैसे मैं एक उदाहरण देते हैं, जैसे कई बार मौसम पलटने पर हमें क्या होता है, जैसे जुकाम बुखार आदि हो जाता है और हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाएं खाकर इसको दबा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी अपने आप को मौसम के हिसाब से बदलना चाहता है। इसलिए वो हमें काफी जुकाम बुखार के माध्यम से, जैसे जुकाम के बलगम आदि को बाहर निकालता है, और हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उनको दवाइयों के माध्यम से इस चीज को हम दबा देते हैं, और शरीर जिन चीजों को बाहर निकालना चाहता है उन चीजों को शरीर बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण उस टाइम पर तो हमें लगता है कि हम भाई ठीक हो गए, हमने दवाई खा ली और हम ठीक हो गए, लेकिन उसका बाद में जब थोड़ा दिन बाद बीत जाते हैं, दोबारा जब हमारे शरीर में कोई बदलाव होता है, मौसम का चेंज होता है, तब उसके हमें दुष्परिणाम हमें हमारे सामने आते हैं और तब पता चलता है कि उन दवाइयों का हमें कितना नुकसान हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, इन दवाइयों को लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम हो जाती है, और फिर जब दोबारा हमें कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर की तो ये प्रकृति होती है कि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश हमेशा करता है। तो करता है कोशिश, लेकिन क्या होता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो शरीर की कम हो जाती है, तो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, और फिर क्या होता है हमें दोबारा फिर मजबूर होकर डॉक्टर के पास फिर जाना ही पड़ेगा, और इस प्रकार फिर हम अपने शरीर में बार बार केमिकल युक्त दवाइयां डालते रहते हैं, केमिकल डालते रहते हैं, और फिर जब हम लंबे समय तक इन दवाइयों को खाते हैं तो क्या होता है हमारी किडनी लीवर आदि खराब हो जाती है, और फिर दूसरी इनमें से ज्यादातर दवाएं तो मांसाहारी है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें छोटी मोटी बीमारियों में एलोपैथी दवाओं का बिल्कुल सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर छोटी मोटी बीमारियों में अगर हमें सहारा लेना ही तो एलोपैथी का सहारा क्यों लें, हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, और ये काफी सस्ता और सुरक्षित भी है, और क्या होता है इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी बढ़ जाती है, जिसे हमें आगे भी हमें इसका फायदा होता है और दूसरी बीमारी नहीं होती। ये हमारे पूजनीय ऋषियों द्वारा इस पर काफी अध्ययन करके हमें विरासत में दिया गया है, और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए अपने शरीर पर। और इसी को हम आयुर्वेद, एक कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये हमारे जीवन का, ये मान लो आयुर्वेद में सभी कुछ छुपा हुआ है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, पूरा जीवन का पूरा सार ही आयुर्वेद में दे रखा है, तो हमें इनको ग्रहण करना चाहिए और आयुर्वेद को हम अपना कर हम पूरी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, कभी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आगे हम जो वीडियो लाएंगे अब इसके उसके बारे में बात करेंगे कि
कि ये वात पित्त कफ होते क्या है और वात की बीमारियां कौन सी हैं, पित्त की कौन सी है, और इस हिसाब से उनकी दवाइयों के बारे में बात करें कि वात की बीमारी कौन कौन सी होती है और उनको हम कैसे ठीक करना चाहिए। और सभी के शरीर होता है, जैसे सभी का शरीर की एक प्रकृति होती है, जैसे किसी का शरीर पित्त प्रकृति का होता है, किसी का वात प्रकृति का, उसको हम कैसे जानेंगे इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।